हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझेंगे और एसपी मिक्सिंग किस में होती है, किस में नहीं होती है, क्यों होती है वो समझेंगे, और साथ ही मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एनर्जी लेवल डायग्राम। देखें, एनर्जी लेवल डायग्राम देखें, ये एनर्जी ऑर्डर बनाया अपन ने, ठीक है ना। ये इस ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो एनर्जी बढ़ती जा रही है। हम डाई एटॉमिक, हमारे कोर्स में डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, अप टू 20 इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, और साथ में होमो डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए, मतलब एटम सेम टाइप के होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं, इधर ए एटम है, इधर ए एटम है, तो ये दोनों मिक्स होकर ए टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ए टू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए, 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक है, दो एटम में मिला के 20 इलेक्ट्रॉन, तो एक में कितने हुए बेटा? एक में हुए 10 इलेक्ट्रॉन्स। एक में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए ऑर्बिटल्स कितने चाहिए? 5 ऑर्बिटल्स चाहिए। 5 ऑर्बिटल्स का मतलब 1s, 2s और 2p के कितने हो गए? 3। तो टोटल कितने हो गए? 5 ऑर्बिटल्स। मतलब हमें एटॉमिक नंबर 10 तक बात करनी है। एटॉमिक नंबर 10 तक जब बात करनी है, इसका मतलब ये हो गया, H2 लेना है, HE2 लेना है, और इस तरीके से अपन को NE2 तक लेना है, ठीक है ना। H2, HE2, Li2, Be2, B2, C2, N2, O2 और F2 की, और NE2 की अपन को बात करनी है। तो अपन यहाँ पे डिस्कस करना चालू करते हैं। ए एटम, इसका 1s ऑर्बिटल, 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2s की होगी, और 2s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 2p की होगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ, यहाँ पे भी 1s। होमोडाइएटॉमिक कोर्स में इसलिए है क्योंकि सेम टाइप के एटम्स होंगे तो हमें पता है कि इसके 1s की एनर्जी इसके 1s के इक्वल है, इसके 2s की इसके 2s के इक्वल है। अगर हेट्रोडाइएटॉमिक होता तो 1s की एनर्जी किसके इक्वल है, मतलब इसके 1s की एनर्जी इसके कौन से ऑर्बिटल के इक्वल है, वो हमें पता नहीं है, हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, जिस लेवल पे अपन पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए होमोडाइएटॉमिक कोर्स में है तो हमें ये पता चल जाए आराम से कि किसकी किसके साथ मिक्सिंग होगी। तो देखें, 1s 1s के साथ, 2s 2s के साथ, और 2p 2p के साथ, इस तरीके से मिक्स होंगे। अब समझने की कोशिश करना, 1s 1s जब आपस में मिक्स होंगे तो VBT के हिसाब से बनता है क्या? सिग्मा एक, और MOT के हिसाब से बनते हैं दो। एक का नाम होगा बॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे अपन सिग्मा 1s, और एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग, जिसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। आई बात समझ में? ऐसे ही 2s 2s जब मिक्स होंगे तो एक का नाम होगा सिग्मा 2s और दूसरे का नाम होगा क्या? सिग्मा स्टार 2s। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब नेक्स्ट बात पे समझ चलते हैं। देखो, VBT के हिसाब से तीन p ऑर्बिटल इक्वली परपेंडिकुलर एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हैं, तो पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। मतलब VBT के हिसाब से एक सिग्मा दो पाई बनते हैं, तीन मिक्स होंगे और तीन बॉन्ड बनेंगे। किसके हिसाब से? VBT के हिसाब से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है? तीन और तीन, टोटल 3 and 3 मिक्स हुए, टोटल कितने हुए? 6। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बॉन्डिंग में, 3 एंटी बॉन्डिंग में, पर VBT की मदद लेंगे। बॉन्डिंग में 3 कौन से होंगे? 1 सिग्मा 2 पाई, और एंटी बॉन्डिंग में 3 1 सिग्मा 2 पाई होंगे। तो इसको समझने की कोशिश करना कि सिग्मा की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इस वजह से सिग्मा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और बाय डिफॉल्ट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होती है? जेड एक्सिस होती है, इसलिए ये हो जाएगा सिग्मा 2pz। क्या हो जाएगा? सिग्मा 2pz। और पाई की एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, और दोनों पाई इक्वली परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए दोनों की एनर्जी सेम होगी, और इसको बोलेंगे अपन पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। फिर से सुनना, 3p मिक्स होंगे, VBT के हिसाब से 3 बनेंगे, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, और MOT के हिसाब से 6 बनेंगे, 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्डिंग में और 1 सिग्मा 2 पाई एंटी बॉन्डिंग में। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए उसकी एनर्जी कम होती है नॉर्मली,
और पाई बॉन्ड वीक होता है इसलिए उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब दोनों पाई इक्वली परपेंडिकुलर है तो इस वजह से दोनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। अब समझना, अपन वेव फंक्शन पढ़ते हैं, साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू साई ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर करते ना, प्लस टू साई ए साई बी माइनस प्लस साई बी स्क्वायर, है ना। एक वेव फंक्शन तो क्या पढ़ते हैं अपन कि साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस टू साई ए साई बी, और दूसरा वेव फंक्शन साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस टू साई ए साई बी, यही पढ़ते हैं ना बेटा। तो इतने से तो एनर्जी क्या हो रही है, मतलब इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसलिए ये अपन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल और ये कौन सा एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल का बोलते हैं। तो प्लस टू साई ए साई बी से जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो माइनस टू साई ए साई बी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, जिस हिसाब से सिग्मा में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उसी हिसाब से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, मतलब एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो ये लो ये ऊपर जाएगा और नीचे कौन रहेगा, पाई स्टार रहेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से पाई की एनर्जी कम हुई उस हिसाब से पाई की एनर्जी बढ़ेगी। तो इनका नाम तो हो जाएगा क्या, पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा स्टार टू पी एक्स, ठीक है। तो बात ये हो गई कि यह है सिंपल एनर्जी डायग्राम, इसमें कोई हमने एक्स्ट्रा मिक्सिंग नहीं करी, एस एस के साथ, एस एस के साथ, पी पी के साथ मिक्स हुआ है, हमने इनकी आपस में कोई मिक्सिंग नहीं कराई। मतलब ये जो एनर्जी डायग्राम अपन ने बनाया है ये विदाउट एस पी मिक्सिंग वाला है, कौन सा है, विदाउट एस पी मिक्सिंग वाला। पर ये एनर्जी डायग्राम हर एक में फॉलो नहीं होता है, दो तरह के एनर्जी डायग्राम अपने पास अवेलेबल है। ऐसा क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं और 2s इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है। तो क्या हुआ बेटा, 2s इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है और 2p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन बढ़ता जाएगा, और रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी गैप बिटवीन 2s एंड 2p इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज रिपल्शन बिटवीन 2s एंड 2p इंक्रीज हो रहा है, रिपल्शन इंक्रीज होगा तो गैप बढ़ता जाएगा। अब अपन ने क्या पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब गैप ज्यादा होता है तो मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होती है, और जब गैप कम होता है तो मिक्सिंग प्रॉपर होती है। तो यहां पे समझना कि प्रैक्टिकली देखा गया यहां पर गैप है कम और यहां पर गैप है ज्यादा। जब यहां पे गैप कम किसके बीच में, एस और पी के बीच में, इस वजह से यहां पे मिक्सिंग किसकी, एस एंड पी मिक्सिंग होगी, और यहां पे मिक्सिंग कौन सी, एस एंड पी मिक्सिंग नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई होगी कि किस में एस पी मिक्सिंग होगी और किस में नहीं होगी, क्या इफेक्ट होगा एस पी मिक्सिंग का, वो समझने की कोशिश करना। चलिए एनर्जी डायग्राम बनाते हैं किसका, एस पी मिक्सिंग वालों का। तो एनर्जी डायग्राम ऑफ हैविंग एस पी मिक्सिंग, बहुत सिंपल सा है, समझना। ये लिया अपन ने, देखो 1s तो डिफरेंट शेल वाला है तो 1s तो मिक्स नहीं होगा, क्योंकि 1s और 2s के बीच में एनर्जी गैप ज़्यादा है। एक शेल, एक ही टाइप के ऑर्बिटल्स डिफरेंट शेल के कभी भी मिक्सिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हम 1s की मिक्सिंग की यहाँ पर बात नहीं कर रहे, मिक्सिंग की सिर्फ किसकी बात करेंगे, 2s और 2p की बात करेंगे। तो यहाँ पे A लिया मैंने, यहाँ पे A लिया, यहाँ A2 लिया,
अच्छे से समझना, ये 2p ऑर्बिटल, ये 2p ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ठीक है बेटा, ये 2s ऑर्बिटल। देखो ये दो मिक्स हुए थे, पहले विदाउट मिक्सिंग की बात करते हैं, एक बना था ये और एक बना था ये, इसका नाम सिग्मा 2s, इसका नाम सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे बात करते हैं, जब ये मिक्स हुए थे तो एक तो ये बना था और दो ये बने थे, दो ये बने थे और एक ये बना था, ठीक। अब समझना, जब इनके, अच्छा पहला पॉइंट तो कि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, बॉन्डिंग बॉन्डिंग के साथ मिक्स होगा, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के साथ मिक्स होंगे, क्योंकि वेव फंक्शन उन्हीं के मैच करेंगे, डायरेक्शन उन्हीं के मैच करेंगे। दूसरी बात अपन बात करें, दूसरी बात करें तो सिग्मा सिग्मा के साथ मिक्स होगा और पाई पाई के साथ मिक्स होगा। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री मैच नहीं करेगी, इस वजह से सिग्मा सिग्मा के साथ पाई पाई के साथ मिक्स होगा। तो चेक करें यहाँ पे, देखो जब इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है तो इनके बीच का गैप भी ज्यादा है तो मिक्सिंग नहीं होगी, पर जब इन दोनों के बीच का गैप कम है तो इन दोनों के बीच का गैप भी कम होगा। यह है सिग्मा बॉन्डिंग और यह भी सिग्मा बॉन्डिंग, 2p और 2s, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच का गैप कम है तो इन दोनों के बीच का भी गैप कम होगा, इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा स्टार 2p, बॉन्डिंग बॉन्डिंग के साथ, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के साथ मिक्स होगा, ठीक है। दो मिक्स होंगे, दो नए बनेंगे, ढंग से समझना, दो मिक्स होंगे, दो नए बनेंगे, दो मिक्स होंगे, दो नए बनेंगे, साई ए साई बी मिक्स हुए, एक बनेगा साई ए प्लस साई बी, दूसरा बनेगा साई ए माइनस साई बी। साई ए प्लस साई बी मतलब पहले से ज़्यादा अट्रैक्शन, साई ए माइनस साई बी मतलब पहले से ज़्यादा रिपल्शन, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो बनेगा वो दोनों से ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक जो नया बनेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है, कहाँ पे जाएगा, इस जगह उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक। अब समझो ये एंटी बॉन्डिंग था, एंटी बॉन्डिंग रहेगा, मिक्स होने के बाद भी एंटी बॉन्डिंग रहेगा, इसकी एनर्जी कम हुई, कितनी कम हो जाएगी, रहेगी तो इस लेवल से ज्यादा, रहेगी तो इस लेवल से ज्यादा, क्योंकि ये कौन सा है, एंटी बॉन्डिंग है। तो अपन समझे इस बात को, तो इसका नया एनर्जी लेवल मिलेगा, एनर्जी लेवल ये वाला, ये बन गया नया, दिख रहा है, ये वाला बन जाएगा और ऊपर वाला हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मिक्स हो चुका है, अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है। ऐसे ये वाला ऊपर चला गया और ये वाले अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे, ठीक है ना, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा ये वाला, और ऊपर एक नया लेवल मिल जाएगा, पर नाम रहेगा सिग्मा स्टार 2p और नाम रहेगा सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि ये S के ज़्यादा नज़दीक है, ये P के ज़्यादा नज़दीक है, ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है, वो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस के पास है इसलिए इसको S बोलेंगे, न्यूक्लियस से दूर है इसलिए उसको P बोलेंगे, नाम वही रखें, पर ये हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है, ये बात समझ में आई, ठीक है। पर एक पॉइंट समझो, ये पहले भी इस लाइन के बाद में भराई में आ रहा था और ये पहले भी पाई स्टार के बाद में भरने में आ रहा था, उसका जो एनर्जी, उसका जो एनर्जी ऑर्डर था वो ही है, एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया। जब एनर्जी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आया तो हम एसपी मिक्सिंग की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक बाकी है, इनकी मिक्सिंग कराना बाकी है। जब ये दो मिक्स होंगे तो दो नए बनेंगे, दो नए बनेंगे तो एक नया बनेगा जिसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एक नया बनेगा जिसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और उसकी एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो किसके ऊपर आ जाता है, पाई स्टार के ऊपर आ जाता है, किसके ऊपर आ जाता है, पाई स्टार के ऊपर, और ये नीचे आ जाएगा सिग्मा 2s। अब देखो ये कितना भी नीचे चला जाए, ये कितना भी नीचे चला जाए वो रहेगा तो क्या, सिग्मा 2s, और उसके एनर्जी ऑर्डर पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वो रहेगा तो सेकंड शेल का ही, ये कितना भी नीचे चला जाए सिग्मा 2s सिग्मा 1s में नहीं जाएगा, सिग्मा स्टार 1s में नहीं जाएगा, मतलब फर्स्ट शेल में नहीं जाएगा। इसका मतलब जब अपन सेकंड शेल स्टार्ट कर रहे थे बिना मिक्सिंग के इलेक्ट्रॉन भर रहे थे सिग्मा 2s में, और मिक्सिंग के बाद भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस में, सिग्मा 2s में। फिर देखो जब अपन यहां पे इलेक्ट्रॉन भर रहे थे
बिना मिक्सिंग के, तो सिग्मा 2s के बाद सिग्मा स्टार 2s में भर रहे थे और अभी भी भरेंगे किस में, सिग्मा स्टार 2s में, मतलब अभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ऊपर आ जाओ, यहां देखो पहले इलेक्ट्रॉन भर रहे थे सिग्मा 2p और फिर भर रहे थे किस में, पाई 2p के अंदर, ठीक है ना, पर अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे किस में, पाई 2p में पहले और सिग्मा 2p में बाद में, क्योंकि यहां पे एनर्जी ऑर्डर में चेंज आ चुका है, एनर्जी ऑर्डर में चेंज आ चुका है। तो एसपी मिक्सिंग कराई जाती है सिर्फ इस वजह से, किस वजह से, कि सिग्मा 2p की एनर्जी बढ़ जाती है, सिग्मा 2p की एनर्जी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था पहले किस में, सिग्मा 2p में, पर अब आएगा किस में, सिग्मा स्टार सिग्मा सॉरी पाई 2p में आएगा, पहला आना चाहिए था सिग्मा 2p में, पर अब पहले आएगा किस में, पाई 2p में, सिग्मा 2p में बाद में जाएगा। यहां भी कोई चेंज नहीं है, पाई स्टार एज इट इज है, सिग्मा स्टार एनर्जी लेवल चेंज हुआ पर ऑर्डर चेंज नहीं हुआ। समझ में आई बात, एसपी मिक्सिंग की वजह से इसका एनर्जी लेवल चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, लेवल चेंज हुआ, ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, लेवल भी चेंज हुआ, ऑर्डर भी चेंज हुआ, लेवल चेंज नहीं हुआ। कोई एसपी मिक्सिंग पाई के अंदर नहीं होती, पर एनर्जी ऑर्डर चेंज हुआ, किसकी वजह से, सिग्मा 2p की वजह से, ना एनर्जी ऑर्डर चेंज हुआ ना लेवल चेंज हुआ। यहां पे एनर्जी ऑर्डर चेंज नहीं हुआ पर लेवल चेंज हुआ है। फिर से समझना, ये वाली हाइब्रिड, ये वाली अनहाइब्रिड, पाई अनहाइब्रिड, फिर हाइब्रिड, फिर कौन सा अनहाइब्रिड और फिर कौन सा हाइब्रिड, ये एसपी मिक्सिंग का इफेक्ट है। तो एसपी मिक्सिंग किस किस में एप्लीकेबल है और एसपी मिक्सिंग किस किस में एप्लीकेबल नहीं है, पहली बात तो एसपी मिक्सिंग के लिए पी होना जरूरी है, अगर पी नहीं होगा तो एसपी मिक्सिंग नहीं होगी, मतलब H2 और HE2 में कोई एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, H2 HE2 में कोई एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, O2 F2 NE2 एंड देयर चार्ज्ड स्पीशीज में एसपी मिक्सिंग नहीं होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन से ना चले, 14 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, तरीके से समझे बात को, वो कॉन्सेप्ट गलत पड़ जाता है। 14 और 14 के पहले, 15 या 15 के पहले जो है वो एसपी मिक्सिंग होती है, एसपी मिक्सिंग नहीं होती है, इन सब चीज़ों को छोड़े कॉन्सेप्ट से चले कि H2 और HE2 के अंदर एसपी मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि पी नहीं है। O2 F2 NE2 एंड देयर चार्ज स्पीशीज, मतलब आपने O2 प्लस भी ले लिया, O2 टू प्लस भी ले लिया, O2 माइनस भी ले लिया, इन सब के अंदर एसपी मिक्सिंग नहीं होती है क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा है। एनर्जी गैप क्यों ज्यादा था, क्योंकि एस और पी के बीच में रिपल्शन ज्यादा था। तो एसपी मिक्सिंग किस किस में होती है, Li2 जो कोर्स में है, 20 इलेक्ट्रॉन्स तक बात कर रहा हूं मैं, B2 C2 N2 एंड देयर चार्ज्ड स्पीशीज, इन सब के अंदर एसपी मिक्सिंग होती है। जैसे N2 2-16 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एसपी मिक्सिंग होती है क्योंकि N2 2- बनाए N2 से, तो N2 में अगर एसपी मिक्सिंग है तो N2 2- में भी एसपी मिक्सिंग है। तो एक क्वेश्चन, जो एसपी मिक्सिंग किस में होती है किस में नहीं होती, ये मैंने आपको समझा दिया, किस किस के एनर्जी लेवल चेंज होते हैं, किस किस के एनर्जी ऑर्डर चेंज होते हैं, किसके कंपेरिजन में, विदाउट एसपी मिक्सिंग के कंपेरिजन में, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो एक फाइनल एनर्जी ऑर्डर कंपेरिजन का अपन बना लेते हैं, ठीक है ना, तो समझना, इधर मैं लिखता हूं एसपी मिक्सिंग, ठीक है बेटा, और इधर लिखता हूं विदाउट एसपी मिक्सिंग, थोड़ा सा अच्छा कंपेरेटिव समझ में आ जाएगा। देखें यहां पे 1s होता है, यहां पे भी 1s होता है, ठीक है, दोनों में कॉमन है, यहां पे सिग्मा 1s होता है, फिर सिग्मा स्टार 1s होता है, यहां पे भी सिग्मा स्टार 1s होता है, यहां पे सिग्मा 2s होता है, यहां पे भी सिग्मा 2s होता है, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2s होता है, सिग्मा स्टार 2s होता है। पर जब एसपी मिक्सिंग की बात करते हैं तो पहले आते हैं पाई 2p और फिर आता है सिग्मा 2p। यहां पे विदाउट एसपी मिक्सिंग पहले सिग्मा 2p आता है, फिर आता है कौन से,
पाई टू पी। अब ऊपर चले अपन, तो यहां पे आएगा क्या, पाई स्टार टू पी, पाई स्टार टू पी सेम है दोनों में, ठीक है। यहां पे आएगा क्या, सिग्मा स्टार टू पी, यहां पे भी क्या आएगा, सिग्मा स्टार टू पी। तो दिक्कत सिर्फ यहां पे है एसपी मिक्सिंग की, बाकी और कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से एनर्जी लेवल डायग्राम एसपी मिक्सिंग किस में होगी किस में नहीं होगी ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, चलिए बाय।